वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टैक ओनली 3। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो एयरफोर्स रिक्वायरमेंट्स 2022 की जो भर्ती आई है उसके बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो बगल में बेल आइकन घंटी है उस पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल आपको चाहिए। तो फिर सबसे पहले हम sarkarexam.com पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में अब इसमें हम देखते हैं एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्वायरमेंट्स 2022, पोस्ट नेम है एयरफोर्स ग्रुप सी। तो फिर चलिए इसका हम आवेदन फ़ीस देख लेते हैं। तो इसकी आवेदन फ़ीस कुछ भी नहीं है, इसकी आवेदन फ़ीस कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसकी तारीख की बात कर लेते हैं कि कितनी तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों इसकी आरंभ तिथि है 24 मार्च, और इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म ऑनलाइन करने की 24 अप्रैल। और ये पूरे भारत में के लिए हैं। और इसकी हम आयु यानी कि एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष, यानी कि 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें थोड़ी बहुत छूट भी मिलती है, जैसे कि ST और SC का जो बंदा है उसके लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC वाले को मिलेगी 3 वर्ष की छूट। तो इसमें पद की संख्या दी गई है 5, इसमें 5 पद दिए गए हैं, 5 पदों पर भर्ती लिख ली है। तो देख लेते हैं किस किस में जगह खाली है। तो देख, पोस्ट का नाम दिया गया है एयरफोर्स, अब कुक के लिए है 1 पोस्ट, और कारपेंटर के लिए 1 पोस्ट, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 1 पोस्ट, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 1 पोस्ट, और जो हिंदी टाइपिंग है हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 पोस्ट। इसमें टोटल 5 पोस्ट हैं, तो सबके लिए अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। और सैलरी की बात कर लेते हैं, तो इसमें सैलरी नियमानुसार रखी गई है, जैसे कि कुक के लिए अलग और मल्टी स्टाफ स्टाफ के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग सैलरी दी गई है। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुक के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है, और किसी कंप्यूटर या फिर XYZ का डिप्लोमा होना, 1 वर्ष का अनुभव होना उसके लिए चाहिए। कारपेंटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और कारपेंटर ट्रेंड ITI या कारपेंटर सिगार भूतवर सैनिक होना चाहिए। और हाउस स्टाफ के लिए देख लेते हैं, हाउस स्टाफ के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिक पास। मल्टीटास्क के लिए देख लेते हैं, तो इसमें भी 10वीं पास होना आवश्यक है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए देख लेते हैं, हिंदी टाइपिस्ट के लिए कुछ इसमें थोड़ा सा अलग दिया गया है, ये 12वीं पास होना चाहिए और 35 वर्ड प्रति मिनट की उसकी स्पीड होना चाहिए टाइपिंग की। अब हाउ टू अप्लाई, आवेदन की प्रक्रिया इसमें दी गई है। उम्मीदवार भी अपने पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, और फिर अंतिम तिथि तक पहले भेजना होगा। ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। तो फिर थोड़ा नीचे चलते हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। तो सबसे पहले होता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 1, आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट, मूल्य वास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति, 10वीं की मार्कशीट, वोटर ID, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ एंड मोबाइल नंबर। इसके लिए ये
ये दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका? सिलेक्शन प्रोसेस है अभी अभ्यर्थियों का चयन, फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा। मैंने बताया था ये लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट और मेडिकल लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मैं वादा करता हूँ सरकारी नौकरी पाने के पूर्व ईमानदारी की निष्ठा और करूँगा करूँ। इसको छोड़ो, अब देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म ये दिया गया है, आप यहाँ से डाउनलोड करके भर सकते हैं और इसकी नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है, तो वाइस आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए बाय।